कि यूरोप व्यूज उम्मीद करने तुम ठीक ठाक हो सो खैरी मेरी सो माड़ा नाम है सैयद बिलाल है तो तुम तक भी एक्सप्लोर पठवार यूट्यूब चैनल आज असं मौजूद हाँ जी पठवारनी तहसील गुजर खान ने ग्रां तंगदेओ सईदा में काजियां नाल ग्रां है तो इतने डेरा है सैयद अमीर मुख्तार नकवी हाल मुकीम डेनमार्क होने तो हूँ आए ने इतने छुट्टी तो उन्होंने मिलासा उन्होंने को उत्थे नहीं जिंदगी यूरोप नहीं जिंदगी और इतने नहीं जिंदगी ने बारे में पुछसा कि जिंदगी सुदै नहीं है तो उन्होंने घोड़े छोड़े भी रखे ने उसा डेरा बड़ा सोहना बनाया ने डेरे ने उसकी विजिट करासा ट्रैक्टर शैक्टर खलते ने पिछे पजारो भी खलती है उधर घोड़े छोड़े भी रखे ने वह भी तुसासा तो आओ जी तुम मिलवाने मीर शाह और जरा तुमकी डेरा भी विजिट कराने जी माशाल्लाह चेक करो कैसे बूटे शूटे लगे न गड्डी खलती है इधर भी बूटे शूटे लगे न ट्रैक्टर खलते है इधर है गड्डी खलती है सुजुकी ते ए पिछले पासे जुलने तुम घोड़े छोड़े तकाने इधर है घोड़े बदे मिर्जा शहद साहब जड़ा जी है लगे न काठी शाठी बाही ने तो इधर है सैटिंग पे करने चेक करो जी घोड़ा चेक करो जी कुत्ता जड़ा गुलटरिया ये सामने मारफोर नहीं लगी है जी मुंडी असा नाल मौजूद न सैयद अमीर मुख्तार और इन्होंने गपशप करने हैं उत्थे नहीं यूरोप नहीं जिंदगी ने बारे में अस्सलाम वालेकुम शाह साहब वालेकुम सलाम बिलाल कैसे हैं आप ठीक जी ठीक ठाक अपनी सुनाओ पठवारी बोल सो जी पठवारी चलो हूँ साढ़े जहने जो पठवारी निकली पर बोलने तो पठवारी और सुनाओ ठीक ठाक हो खरी अलहमदुल्ला शुक्र अपनी सुनाओ सेहत कैसी खरीयत है मालिक पंतन पाक ना बड़ा करम है बिल्कुल ठीक ठाक अच्छा ये दसो कि तुसा डेनमार्क कितने अरसे तू उ जरा वै है डेनमार्क मैं यार डेनमार्क 2009 च गया 2009 तो 2023 फिलहाल काफी इना की टाइम हो गया वे तो किस तरह गए सो डेनमार्क डंकी लाई सी है या लीगल गए हो अल्लाह डंकी को तो बचाया ते मैं एक लीगल प्रोसेस नाल गया सा मैं शादी करी गया सा डेनमार्क सही है जा ते बस फिर उत्थों ही अपने पेपर शेपर जड़े वाइफ चूंकि मेरी जड़ी है वो बाउंड है उत्थे नहीं डेनमार्क नहीं सही है ते उसने बेआफ ते फिर मैनू पेपर शेपर जड़े वो मिले ने जनाब मतलब आसानी नाल पहुंच गयो ते अच्छा ये दसो कि उधर नहीं जिंदगी मौज अली है या इत्थे नहीं जिंदगी पाकिस्तान नहीं मौज अली है ट्रक जड़े बेडफोर्ड चलने ना उन्होंने पिछे लिखे होना मैं कि पैसा यूरोप ना तो जिंदगी पाकिस्तान नहीं तो तुसा इस बारे क्या आखने देखो ट्रकों ने जो कुछ लिखाया होना वो 90% सच ही होना सही है लेकिन अगर इस चीज़ की मद्देनज़र अजकल ने जड़े बच्चे वे अगर असा उन्होंने की तकी है तो फिर उन्हें यूरोप नहीं जिंदगी तो यूरोप ने मज़े सही है लेकिन चूंकि असा वाबस्ता अपने मुल्क नाल साड़ा प्यार मुहब्बत जड़ा है वो इस वतन ना साढ़े दिलों चू कदे भी नहीं खत्म हो सकना चूंकि असा अपना बचपन इतने गुजारिया माँ बाप नाल दोस्तों यारा नाल भैणा भरा नाल तो उस वजह तू जी असानी सोच है वह यही होनी कि असा छुट्टियां भी वैन तो पाकिस्तान गुजारा तो असा की तो जी जिंदगी पाकिस्तानी है वह ज्यादा जड़ा है मजा करनी है असाने मौजा पाकिस्तान ही जी ना उत्थे कम कमा नहीं कह सुरू त्याल आने बड़ी मेहनत करनी पैनी है मौज उत्थे को नहीं है सैयद मैं अपनी जिंदगी ने जरा तजर्बा है उसनी तुसा की गल करा तो कम पाकिस्तान भी बड़ा है
ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਸਵੇਲਾ ਸਵੇਲਾ ਕਲਫੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਂਝੀ ਆਕੜਿਆ ਰਵੇ ਪੋਸ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਹੀ ਆ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਤੁਸਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸਾਂ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਮੈਂ ਬਲਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਨਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਉਬਰ ਕਰੀਮ ਜਾਂ ਬੜੀ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਾਰਗੋ ਨਾ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ असल साड़ी जिहड़ी ट्रांसपोर्ट है वड्डी है साढ़े कोल ट्रक न अपनियां छोटियां वैगना ही हैं जिस तरह तुसां इत्थे आखी गए शाजोर गड्डियां इस तरह दियां गड्डियां ही हैं जिहड़ियां कि असां मुख्तलिफ कंपनियां नाल लाईयां कारगो वालियां ते डिलीवरी वालियां उसने जो पैलेट होने जिहड़े असीं डिलीवर करने आ कुछ उसने साढ़े कोल कस्टमर जिहड़े वे ओह आखी गए दुकानां होणियां ते कुछ प्राइवेट बंदे होने जिन्हां के असां डिलीवर करने आ सारा समान सही हो गया ते कितनियां गड्डियां तुसां कोल उत्थे मेरे कोल पिछले साल तक तो मेरे को तकरीबन 25-30 गड्डियां सी लेकिन हुण रीसेंटली मैं फिर दोबारा स्टार्ट किया कुछ प्रॉब्लम या कोरोना की वजह तो काफ़ी कम उत्थे हालात खराब हो गए से तो हुण दोबारा अलहमदुल्ला फिर 3-4 गड्डियां तो शुरू किया जी चलो माशाल्लाह ठीक हो गया तो ड्राइवर है उत्थे ड्राइवर की क्या तनखा शाह देने हो क्या तनखा ड्राइवर दियां जी बड़िया सहूलत ही तो बड़िया तनखा ही उत्थे क्योंकि उत्थे घंटे के हिसाब न ड्राइवर चलना तो साढ़ा डेनमार्क जरा असी तकरीबन 200 करोड़ घंटा एक ड्राइवर की देने जड़ा के इस टाइम पाकिस्तानी 8,000 रुपया बनना बल्ले बल्ले 8,000 रुपया घंटा जी तो इतने मजदूर जड़ा या ड्राइवर सारी दिहाड़ टोटा चलाना या ट्रक चलाना तो दिहाड़ उसकी मिलनी है 800 या 1,000 या 1,500 भी 8,000 रुपया घंटा बल्ले जी बड़ी बड़ी मजदूरी है इतने बिल्कुल सही गल है लेकिन खर्चे भी हैं इसी तरह जनाब ना हूँ जहरी गल है 8,000 तो सब पाकिस्तानी तकने हैं तो अगर डेनमार्क ना तो हिसाब लाओ तो वह 10 घंटे कम करी तो 2,000 करोड़ निगम बनाना है ते उसने विच वीकेंड उसने फ्री होना मंडे टू फ्राइडे उस कम करना होना ते उदी तकरीबन 40-45,000 रुपया तनखा बन जानी करोन डेनिश उसने जो उस 42% टैक्स देना होना 8% टैक्स अपनी पेंशन देनी होनी ते फिर वो सारे कुछ कट कटा के उन्हें 30-32,000 लगेगा या 28,000 मिलेगा तो अगे फिर घर ने कराए तो अपना खर्चे घर ने तो घर करा के तो फिर उस आख्या सा यूरोप यूके ज्यादातर यूके यूरोप नाम तो मुआश ना जरिया भी यही है कि किसी ने भरा गया किसी ने भैन गई भी तो इन जी उन्होंने निजाम जड़े एक जिंदगी ना पहिया जड़ा है वो चलना उत्थे रह के पाकिस्तान नहीं बच्चा नहीं तो याद अशनी हो सी या बच्चे उधर ही ने देखो मेरे बच्चे तो उत्थे ही है ते मेरी वालदा जड़े न वो पाकिस्तान हैं खाला पाकिस्तान हैं चाचे ताए सारे बाकी सारी फैमिली इत्थे ही है तो उन्होंने याद वगैरह तो अशनी हो सी बिल्कुल जी ता ही असी साल बाद नठे आ रहे हैं तो उन्हें ही मतलब उन्होंने यादा ही तो या अपनी मिट्टी नहीं खुशबू है जी सा दिलों चू जी है वह नहीं खत्म हो सकनी तो वो छिके असी हर साल जनाब ना आ जाने नहीं तो अदरवाइज साढ़े बच्चों दी तो ख्वाहिशा ही हैं कि असी तुर्की जाइए जनाब असी जनाब किसी यूरोप ने मुल्क वो इधर को नहीं अशने पाकिस्तान ही छुट्टी छुट्टी गुजारने देखो जी बच्चों की अगर तुम माहौल दो तो फिर वो अशने लेकिन हम तुम ग्रावों अगर पिंड रखो तो फिर वो बच्चे नहीं पसंद करने क्योंकि अजक ने बच्चे आने जी पिज़्ज़ा खासा साढ़े की अपना कोई प्ले लैंड लैके जाओ कोई इस तरह दिन चीज़ा तो इस्लामाबाद जी सिटी अगर तुम बच्चे रखो तो जरूर क्यों नहीं जी बच्चों ने दिल्च ए मुहब्बत माओ प्यो पैदा करनी होनी और माँ बाप ने फर्ज आ मैं कि उन्होंने समझा तो उन्होंने दसन तो इस तरह तो ही है फिर उन्होंने कंपनी देनी पैनी फिर वो बच्चे जरा यूज टू हो जाने नहीं तो तुम उन्होंने दसो ना भाई असा ना ग्रां इतें ही असा जमे पल हाँ इतने रवो असल हूँ 2023 आ गया ना जी बच्चे भी बड़े एडवांस हो गए अजकल ने तू आने हूँ ग्रां तखी कि हूँ अगे भी टुरो ना जा। अच्छा अच्छा साहब ये दसो कि यूरोप में बहुत सारे बंदे थके जेड़े जाने उन्होंने टिंड हो जानी स्टाइल है उत्थे आपू कराने या टै पैने बाल शाल कै बिलाल शाह जी बस उत्थे ये है कि तुहानू तेल लाने ना टाइम को नहीं लगना तुसा जनाब ना जिल्लै 12-14 घंटे ड्यूटी देई तो छो ना जी तो फिर घर बच्चों नाल भी 10 मिनट बहना पैना ते फिर तुसा कि अगला दिसना होना वे सुबह मैं एग्जैक्ट पूरे 6 बजे अपने काम ते भी पहुंचना ते
मोस्टली उत्थे ठंड भी बहुत होनी, गर्म पानी होने, अगर तुसा सुबह भी शावर करो शामी भी शावर करो जनाब, तो इस वजह तो भी है कि काफ़ी लोगों ने जी है टिंडे तो दूजा उत्थे एक स्टाइल भी आखी किनों के ये है, तीजा है कि बचत भी है क्योंकि गोरा जड़ी है ना बड़ी सियानी कौम है तो वह जनाब रोडा इस तरह रखने भाई वो आने बस वेला उठो तो वो सेफ्टी लियो दस रुपया वाली तो सच ही हफ्ता कड़ी गिनो ठीक है जी। तो त्रै चीज़ा आ गई, स्टाइल भी आ गया, बचत भी आ गई ठीक है, तो पानी तत्ते नहीं में वजह भी आ गई, मतलब कि तीरे नाल त्रै त्रै शिकार जड़ा। अच्छा शाह साहब ये दसो कि उत्थे बंदा कारोबार जड़ा वै वो क्या तरीकाकार है कर सकना जड़ा इत्थू जाना पाकिस्तान तू पेपर शेपर चाहिए होने या के हिसाब होना? कारोबार तुसी बिल्कुल कर सकते हो जी, तुहाड़ा राइट है कारोबार करना, लेकिन उसने भी जहरी गल है कि सब तो पहले तुहाड़ी जिहड़े डाकूमेंट्स है वो पूरे होने चाहिए, तुसां कोल उत्थे ना पासपोर्ट या वीज़ा कार्ड कोई इस तरह की चीज़ होनी चाहिए है, तो बिल्कुल तुसी कारोबार कर सकते हो। तो देने लोन वगैरह भी या कोई इस तरह की सहूलत भी देने? देखो जी प्राइवेट ना तो तुसी बिल्कुल लोन लै सकते हो उन्हां कोलों, लेकिन तुसी कंपनी ने ना तो अगर चाहो तो फिर नहीं देने, लेकिन यह कि तुसी अगर मेहनत करो तो बंदा अपने आप बड़ा जल्दी जड़ा है रिकवर कर सकना अपने कारोबार च, उत्थे यही है कि जिन्नी तुसी मेहनत करोगे इन्ना तुहानू सिला मिलेगा, यह चीज़ उन्होंने लोगों से पाई जानी है कि वह किसी बंदे ने हक जड़ा है वह नहीं खाने। तो अच्छा कानून ना उत्थे के सिस्टम है कानून इत्थे पाकिस्तान आ रही है करप्शन या वो उधर ठीक है अमल दरामद कानून तो है ठीक है? देखो जी पाकिस्तान नाल तो ना तुसा उसकी रलाओ, लेकिन यह है कि उत्थे भी है करप्शन है, इसने कोई शक नहीं है कि उत्थे कोई नहीं है कि गोरे धोते तो आए ना सही। बिल्कुल वो करने न, लेकिन वो एक होने होने जड़ा उन्होंने इदारा रखे आ उसनी अदूद च रह के वो जो जड़ा कम है ना वो थोड़ा बहुत वो करने न जड़ा दा लग जाए, लेकिन वो एक कानून की भी तखने कानून की भी पढ़ने पर इसने भी अगर मैं मेरा वायरल हो गया तो उदा मैनू सजा क्या या उसने मैनू रिजल्ट के मिलेगा, तो करने जरूर हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हे आला हिसाब नहीं है और इतना जुल्म भी नहीं है जड़ा कि पाकिस्तान जिस टाइम असं वेखने असं तो बाहरों आए हैं सच्ची जी गल है भी असी तो इतने लोगों ने हालात वेख के कई बार भी बड़ा दिली तौर पर दुख होना कि यार मतलब इस मुल्क ना के फ्यूचर के है कोई फ्यूचर नहीं। बड़ा सोहना डेरा तुसा बनाया ते ये मैं तकना के जेड़े इंग्लैंड जाने न वो रहने को नहीं कोठियां चंगियां चंगियां बना छोड़ने तो खाली छोड़ के फिर तुसा चले जाने ते ये क्या है इस ना के हिसाब है? देखो जी ये एक साड़ी ख्वाहिश भी आखी कि अपनी जी साड़ी अक लाल नहीं कमाई होनी उसने भी असं चाहे कि असी सब तो अच्छा घर जड़ा है उत्थे तू भी पहले असी सोचने कि पाकिस्तान ही होना चाहिए असी जरूरत समझने हाँ तो चूंकि हूँ मैं को कोठी तो कौन ही बनाई मैं एक डेरा ही बनाया डेरा डेरा जहाँ तो उसने भी चुने है कि मैं चूंकि मेरे दोस्त यार या तलक वास्ते वाले लोग जड़े से वो जलैश नहीं होने से तो क्योंकि साड़ा घर जड़ा है वो पिंड नहीं ग्रां बिल्कुल साड़ा घर ग्रां विच है जनाब, तो उसने भी फिर यह है कि मैं तो सच्ची जी गल है राती 12-1 बजे आना फिर आप निकली जाना दोस्त यार बैठे रहने 12-1-2 बजे तक तो डिस्टर्ब होने से इस वजह तो फिर ग्रां तो बहर एक मेरा ड्रीम भी सी कि मैं अपना एक डेरा बनाइया जनाब ना, तो उसने भी यह है कि ग्रां ना भी कोई वादा घाटा होवे तो 24 घंटे इस डेरे ने दरवाजे उन्होंने वास्ते खुले वे ठीक है, तो वह भी अपनी गमी खुशी इतने करी किसी ने किसी ने कोई मेहमान आया गया वह तो वह भी उन्होंने खुली इजाजत है जनाब ना भाई वो इतने आनी तो रखा सकने, तो मेरा तो डेरा 24 घंटे खुला जी आवाम वास्ते भी दोस्तों वास्ते भी यार वास्ते भी तो भैन भ्रां वास्ते वाह वाह डेरा होना ही उहा है जो 24 घंटे खुले होवे तो ये आने को मोटरवे भी है इतों लंघनी पी है तंगदे सहीदा बच्चू काजियां चू तो ये इधर डिस्टर्ब तो नहीं कर लगी? देखो जी यह डेरा भी मोटरवे विच आया है। अच्छा मैं समझना कि बड़ी ज्यादती है सही है चलो मैनू तो कोई नहीं फर्क पैना मैं इत्थे नहीं तो थोड़ा जा अगे जाके बना लैसा लेकिन तो तुसी अपने कैमरे रिकवरी भी रिकवरी भी करो दसो लोगों की ये साड़ी जड़ी है जरी जमीन है और इदे विच कुछ लोगों ने हाथ है जड़े लोग चाहने के उन्होंने कुछ मफात है कि इतू जमीन निकले मोटरवे निकले, लेकिन उन्होंने लोगों की यह नहीं पता कि इसका नुकसान भी बड़ा है चूंकि मैं मतलब इस नेचर ना मालिक हाँ कि अगर यह डेरा ने मेरा मैं करोड़ों रुपये लाए तो मैनू कोई फर्क नहीं पैना लेकिन गरीब किसी की तकलीफ ना हो तो मैनू तो कोई फर्क नहीं फिर यह गल आख सर, लेकिन यह जड़ियाँ जरी जमीन जिन्हें लोगों दी चूंकि इस ग्रां ना लोगों ना आमदो मुआश ना जरिया जड़ा है वह साड़िया जमीन है या किसी ने 20 कनाल है किसी ने 50 कनाल है किसी ने 30 कनाल है किसी ने 10 कनाल है तो वो ही कणक वगैरह जड़ा राने शाने तो अपना गुजर बसर करने बारिशा हो सन कणक हो सी नहीं तो को नहीं जड़ा है
तो गौरमेंट ऑफ पाकिस्तान अगे ही गरीबों को हक जड़ा है वह खसी चुकी है कि वह क्यों जीना पे कोई कि जिंदा है। तो यह जी हूँ मोटरवे लंघाने पे तो बड़ी ज्यादा है जी इस पूरे ग्राएं नाल असा हाई कोर्ट जाई तो स्टे आर्डर भी किया है तो अगू ए सी साहब जड़ा है वह हाले तक कोई सानू रिस्पांस को नहीं दिता है। आओ जी बिलाल शाह जी हूँ घोड़ा क्ढी आता ने तुसा की दसी है जनाब ना चेक करो जी है घोड़ा है ऐ जनाब ना साड़ा घोड़ा जे जी इस ना ना असा रखिया जे अताए पंज तन घोड़े अमल कीती घोड़ा आले नबी औलादे अली बाबा सैयद अमीर मुख्तार नकवी साहेब आस्ताना आलिया दंग दियो सईदा शरीफ जी आहा आ घोड़ा वाह तको जी ढोले तू बगैर जड़ा ना घोड़ा डांस कर रहा वाह 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 आहा आहा चेक करो जी आने घोड़ा है बहु अथरा जड़ा ना दुए बंदे की नहीं बैन देना नवे की है चेक करो जी चेक करो उधर चेक करो जी उधर वो डांस पे करना जी उधर हाँ वाह 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 क्या बात है जी जिंदाबाद जी तो व्यूअर्स हूँ असा जरा चढ़ सा घोड़े उपर तो थोड़ी जी आई सवारी कर सा फेर सा जी तो व्यूज तुसा की घोड़े भी तकाए न मुलाकात कराई है अमीर शाह और गप शप भी यूरोप ने बारे जो इतनी नहीं जिंदगी ने बारे लाई है। उम्मीद करने की आई नहीं वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो की लाइक जरूर करना है और चैनल की सब्सक्राइब जरूर करना है। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।